गाइज वेलकम टू मी एंड माई फैमिली चैनल। और गाइज आज मैं थोड़ी ब्लॉगिंग करनी हूँ, आज मैंने करनी तो ब्लॉगिंग है लेकिन ना मम्मी अभी गई हैं भाई के साथ, यहीं तक गई हैं थोड़े काम से, तो मैंने सोचा कि चलो आज मम्मी के साथ करा जाए प्रैंक, मज़ा आएगा भाई, प्रैंक करूँगी उनके साथ। मैं करने का बहुत दिन सोच रही थी बट कोई टाइम नहीं मिल रहा था। सोच रही थी कि ऐसे बेहोश पैंट पैंक करूँ बेहोश हो जाने वाला, पर गोस्ट प्रैंक में ज़्यादा मज़ा आएगा। माय गॉड भूत आएगा मेरे अंदर, मेरे अंदर भूत आएगा, ऐसा नहीं कि हाँ मुझे गोस्ट दिख रहा है, नहीं वो वाले मम्मी को इंटरेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, मैं ऐसा करूँगी कि मेरे अंदर जो है भूत आ चुका है, अब इस भूत से निपटो मम्मी आप कैसे भी करके, मुझे मेहंदीपुर बालाजी ना ले जाए। पता है मैंने ना ये बहुत बार कर भी रखा है मम्मी के साथ, सही मैंने मम्मी के साथ ऐसा करा है, और मैं जब भी करती हूँ ना मेरे को पता है क्या करता है, मैंने पंखा चला रखा है, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही हो। जब जब ये वाला प्रैंक मम्मी के साथ किया है ना मेरे को एक थप्पड़ जरूर पड़ता है, मम्मी मेरे को थप्पड़ मारती हैं और उस थप्पड़ के बाद क्या होता है मैं वापस से होश में आ जाती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि मम्मी के थप्पड़ के बाद भी अगर मैं अपने रिएक्शंस ना बदलूँ ऐसे, और मम्मी पे थोड़ा सा गुस्सा सा हूँ कि मेरे को थप्पड़ कैसे मारा, समझ नहीं आ रही, मेरा बहुत आ गया। और मम्मी ने अगर आते ही पूछ लिया कि अच्छा फ़ोन कहाँ पड़ा है, तो फिर अच्छा हाँ मेरे में तो भूत आया होगा ना, मैं ये थोड़ी ना बताऊंगी फोन का बड़ा है, यहाँ पे सेट करूंगी मैं कैमरे को, है इसके बीच में मैं घुसाऊंगी और इसके होल से आएगी। वाओ यार आई एम सो वाइज, दरवाजा खोल के रख देती हूँ। खाएगी मुझे, मुझे खाएगी, खा के दिखा, खा के दिखा, अब पिटेगी, अब पिटेगी ये, मारो 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 भगवान दूर रखे, और तू रोज के नए ड्रामे करने बैठ जाती है। भाई क्या है यार, ये हटाओ यहाँ से, बड़े अच्छे बंदे हो यार तुम लोग, टेबल के ऊपर झूठे सजा रखे हैं, बताओ। आज हमारे को कुछ स्पेशल डिश खाने का मन था, आज मम्मी ने खिचड़ी बनाई है हमारे लिए, स्पेशल डिश खाने का मन था। अब बहुत दिन हो गए यार खिचड़ी खाए हुए, भी बंद करती है, बनी भी नहीं होगी, अच्छी बनाई है मैंने, तूने ना और इस बार मैंने तो बनाई है, मम्मी तो चली गई थी, मैंने बनाई है, मेरा गला बैठ जाता है यार ऐसे करने से। हाँ कल तो भाई का प्रोग्राम है, वही क्या हो गया, कोई डूब रहा है। तो गाइस भाई ने मार मार के उठाया है कि फटाफट से उठ, तैयार हो, तू ही सबसे ज्यादा देर लगाएगी। अब पूरे घर में सबसे पहले मैं ही रेडी हो चुकी, इसलिए मुझे किसी चीज का डर नहीं है, मेरी वजह से लेट नहीं हो रही है लोग, बस थोड़ी सी कंगी रह गई, वो मम्मी से ही कराऊंगी, तो मेरी कंगी है मम्मी से करानी है, इसलिए उनका काम है, मेरा काम सारा हो चुका है, कंगी भी अपनी लेके जानी पड़ती है, मम्मी कंगी नहीं देती। मम्मी मेरी कंगी कर दो, आज नहीं प्लीज, नो आज नहीं, अभी मन नहीं है, मम्मी प्लीज कर दो, मम्मी जरा कैसे निकल ले,
यार मम्मी ने साफ मुंह को मना कर दिया कंघी करने से, भाई ने बाल खराब कर दिए, मम्मी प्लीज कर दो ना देखो तो, अभी छुड़ा के आई हूँ। अच्छा ठीक है कर दे, तू जब खिचड़ी लाया ये काम तो आपने, ये देख जरा खराब करवा दी, ये काम तो आपने भाई को बोला था, उससे कुछ होता है कि नहीं होता है? अब उससे गैस भी नहीं चल रही, वो इतना काम भी नहीं कर सकता है। बताओ मम्मी इस बात पे शुक्र मना रही है कि उसने पानी की बोतल भर दी है। मैं कुछ काम कर रही हूँ, आई एम सॉरी। मेरे को आके कह रहा है कुछ ज्यादा नल्ली इमेज नहीं बना दी मेरी, है ही नल्ला ये। मम्मी मेरे को किसी के पैसे मिले हैं, 400 रुपए होंगे, जल्दी चल। पैसे मिले, मंदिर भी जाना है, शनिवार है, नया नहीं है ना ये, इसलिए बोल रहा है। ये तो कभी नहाता ही नहीं है, मंदिर जाना है। पहले देखो मम्मी आपके लिए लाई क्या है, चम्मच की जगह चमचा लेके आई है, कहती जल्दी जल्दी खाएं इसलिए लेकर आई हूँ चमचा। नीचे लग गई आज, मैं वो मेरी भाई जी से लग गई। तो गाइस मम्मी पापा किसी काम से गए हैं और मैं नहीं गई क्योंकि मेरे को वीडियो एडिट करनी थी, इसलिए मैं गाड़ी में बैठ के वीडियो एडिट करूँ ताकि मैं टाइम से डाल सकूँ वीडियो को। हमारे साथ पहले 3 बंदे थे, फिर पापा आए तो 4 हो गए, फिर दादू भी आए तो 6, हाँ सॉरी 5 हो गए। मेरी गिनती भाई, भाई मुझे गिनती आती है। अरे ये क्या है, पहले वो मारी जाती है, पेल मार दी। यहाँ पापा को शुगर चेक कर रहे हैं, मम्मी जबरदस्ती करा रही हैं। 260 है, फिक्र ही नहीं है इनको अपनी, मैंने व्हाइट क्रीम वाला तो खाया है, ये क्रीम खा रही है। हाँ ये चॉकलेट वाला ऐसा लग रहा है, पॉटी हुई इसके अंदर, सच में पॉटी लग रही है ना। ऐसे जी यहाँ तक लेकर ना, अरे कपड़ों में आ रहा है। अरे है कौन सी, मेरे से नहीं खाया जाता मोमोज की, तो मेरे को पता नहीं क्या एलर्जी है। चटनी के साथ। थैंक यू भाई, आजकल तू बड़ा मेहरबान हो रहा है मेरे ऊपर, थैंक यू। बाकी उसे पता है चिली पराठा बहुत पसंद है तो वो वही लेके आया है। मम्मी भाई सब लोग गए हुए हैं खाने के लिए गोलगप्पे और मैं भी जा रही हूँ, बस मेरे पोटैटो खत्म नहीं हो रहे, उसके बाद जाएंगे हम लोग मंदिर। सुंदर है ना, बुल्हारे के सहारे की जय। 5-5 बंदे होते हुए भी इस नन्ही सी जान को दरवाजा खोलना पड़ रहा है। चलो जी चलो, चलो जी चलो। तो भाई 5-5 दिन होते हुए भी भाई यहाँ पर छिपकली है यार, ऐसे कैसे कोई नहीं, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से, छिपकली को भगा दो कोई, आपके ऊपर आ जाएगी, नहीं करो ऐसे। ओ भाई दादू को डर भी नहीं लग रहा, अरे बाप रे, मम्मी छिपकली है, कहाँ है आपके मुंह के ऊपर, मम्मी साइड में आपके, अरे आपके साइड में, अरे कुछ ही कहती है, चल 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 यार, कुछ मेरी बारी में कह दिया तो मैं भी आई, बाय बाय, हेलो। यार फिर कौन आया, ओ यार ऐसे नहीं करते, भाई नोनू के सॉक्स देखो, मैं बोल रहा है तो सच्ची में अलग अलग किस्म के पहन के चला गया, आधी मानव कहीं का। पूरा दिन ये लड़का गाने गाता रहता है। आज मैं सोने वाली हूँ यहाँ पे, अकेले सोऊंगी आज मैं, बड़े दिनों बाद मैं अकेले सोऊंगी क्योंकि दादू सोएंगे भाई के साथ उसके रूम में, भाई का रूम बहुत लोनली फील कर रहा होगा और भाई के रूम का दिल खुश हो जाएगा, कितने दिन बाद चलो पधारे हो आप अपनी बहन का रूम छोड़ के। ये इसको मेरे रूम से बहुत प्यार है, भाई को रूम से छोड़ो बाथरूम से बहुत प्यार है, ये अपने बाथरूम में जाता है, मेरे में जाता है। तारे जुड़ गई। अच्छा आजकल बड़ा करंट आ रहा है सही में, नहीं ये भाग गया क्योंकि नंगा पुंगा घूम रहा है नीचे, है ना आजकल बड़ा करंट आ रहा है।
भाई तेरा फोन आ रहा है, सौरभ डंग का फोन आ रहा है। ऑटो वे खस फोन तो ले भाई, इतना शर्म खाता है ये लड़का, वहाँ भाग गया। बताओ भाई, मैंने सोचा था कि आज मैं रात को नहीं खाऊंगी तो नहीं खाऊंगी, वैसे भी पेट अभी सब कुछ ना कुछ खाया तो मेरे को बिल्कुल भूख नहीं थी, पर ये सामने पड़े राजमा, तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक रोटी तो खा ही लेती हूँ। पापा इतने प्यार से लेकर आए हैं, दे रहे हैं मेरे को। भाई मोटापा बहुत बढ़ गया है, बट क्या करूँ। मम्मी प्लीज आप स्ट्रिक हो जाओ मेरे लिए, मेरे को मत खाने तो ये सब चीजें प्लीज। मेरा मोटापा ना ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे सोच रही थी कि कम करूंगी, उतना ही बढ़ता जा रहा है। मैं यहाँ पे आई थी एडिटिंग करनी थी मेरे को, इसलिए मैं यहाँ पे आके खाना खा रही थी कि चलो साथ साथ एडिट कर लूंगी। वहां से आवाजें मार रहे हैं, रिद्धि 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 रिद्धि, और मार क्यों रहे होंगे, पानी की बोतल ले आ, ये ले देख देख रहे पक्का, इसीलिए बुला रहे हैं ये लोग मेरे को। यस गाइस, मुझे क्यों बुला रहे हो? मैंने आपसे कहा था ना, ये मेरे को पानी की बोतल भरने के लिए बुला रहे हैं, और कुछ नहीं है इनको काम। खाना तो मैं खा रही हूँ, लेती हूँ। भाई पता है जब मैं व्लॉगिंग करती हूँ ना, मुझे ऐसा फील होता है कि कोई पीछे से देख रहा है। ओह गॉड, मेरे को बहुत डर लगता है। वैसे भी ये जो आजकल मैं कांड कर रही हूँ ना भूत वाले, इन्होंने मेरे को बहुत डरा रखा है। वीडियो ऑन रखती हूँ, भले मैं इस क्लिप को डालू ना डालू, क्योंकि ना वीडियो ऑन रहती है तो मेरे को थोड़ा सा लगता है कि कोई है मेरे साथ। कोई है नहीं भाई, अब बोल रही हूँ मैं, मुझे डर लग रहा है। मम्मी जल्दी भरना पानी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना में भूत। देखो ऐसे रिफ्लेक्शन दिखती है वहां तक, किसको डर नहीं लगेगा, बड़े से बड़ा बंदा भी डर जाएगा। फट गई भाई, इतनी जोर की डर है ना, मैं पापा भी मैं यही बता रही थी, पता है मेरे को नहीं मिल रहा। आपका पापड़, आपके पापड़ ने मेरी हार्ट बीट इतनी बढ़ गई है ना एक मिनट में। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, ये जिसने वीडियो को एंड तक देखा है वो वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय गाइस।